का पड़ा है कैसा महसूस कर रहे हैं आप? वो तो पहली बाल थी ना। Hello everybody, this is Dr. Wahaj and you're watching DWAQ. वेलकम करते हैं आपको न्यू ब्लॉग में। सोच रहे होंगे भाई कहाँ खड़ा हूँ मैं, यही सोच रहे हो? अपन खड़ा है थॉमसन सर के घर। यार बस एक बुढ़ापा जब हो जाता ना बंदे को बड़ी परेशानी बनती है, और जब बंदा 60 से ऊपर जाता है तो मजीद परेशानी, 70 से ऊपर जाता है तो मजीद परेशानी बनती है, फिर 80 से ऊपर जाता है तो और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि आहिस्ता डीजेनरेटिव चेंजेस आते आते वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं। ना सांस रहता है, ना सर्कुलेशन खून की गर्दिश सही रहती है, ना हड्डियों में जोर होता है, ना हड्डियों में कैल्शियम होती है, ना विटामिन डी होता है, कुछ भी नहीं होता। खुराक अपनी अच्छी रखा करो, खुद को मजबूत रखो, स्ट्रेंथन रखो, फिट रहोगे। ठीक है, अभी हम जा रहे हैं सर जो है वो सिग्नेचर कर रहे हैं, यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं सिग्नेचर किया जाए, बाकी आपको बताते हैं। यार इतनी कोई गर्मी है आज, इतनी गर्मी है जिसकी कोई याद नहीं है, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हुई है यकीन करो। और उस गर्मी में भी हम लोग देखो मजदूरी कर रहे हैं माशाल्लाह से, रिस्क हलाल कमाना कितना मुश्किल है। फिर ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे हाथ देखो, ये दो उंगलियाँ देखो और बाकी हाथ देखो, और शक्ल मेरी देखो काली हुई हुई है। इसकी वजह यार इतनी धूप और इतनी तपश और इतनी गर्मी है कि बंदे की ना बस हो जाती है एक मरतबा में। अभी मैं इधर वापस आया हूँ काम से, भाई ट्रैफिक थी बहुत ज़्यादा, वहाँ से अल्लाह अल्लाह करके निकला, मैं कहा चलो ये पीछे भाई साहब गन्ने की मशीन लगाए हुए खड़े हैं इनके पास जाते हैं और इनसे जूस पीते हैं ठंडा ठंडा गन्ने का, और फिर बाकी की अपडेट आपको साथ साथ बताते जाएंगे। ठीक है, तो ये रहा जी ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके फवायद के बारे में इंशाल्लाह मैं अनकरीब आपको वीडियो अपलोड करके बताऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। ठंडा ठंडा जब गन्ने का जूस ऐसे ऐसा फैक्टर सेंटर हो के नीचे मैदे की तरफ जाता है ना, यकीन करो बड़ा मज़ा आता है, खुशी होती है। तो यार खाने में हमारे पास है चटनी, चिकन, तो रोटी। मैं बिस्तर से ही खाऊंगा, अभी टाइम हो रहा है 5 सो गया था, अभी आँख खोली है तो खाना खाते हैं, फिर इसके बाद एक पेशेंट है वो करने जाएंगे। क्या ख्याल है, आपने खाना तो आ जाए मेरे साथ, बिस्मिल्लाह कर लें। हमारी कली में मछली बनाया हुआ है, मछली सफाई कर रहे हैं मछली की, माशाल्लाह बड़ी है भाई। पानी पूरी वाले पकड़ा सा गोलगप्पे, ये हमारे इलाहाबाद के सबसे मशहूर गोलगप्पे हैं, सबसे मशहूर मैं कह सकता हूँ। आज लगता है बिस्मिल्लाह मैं कर रहा हूँ, एक आया था अच्छा ओके चले मैं आई स्टूड सेकंड, मैं दूसरे नंबर पर हूँ। इनकी अपनी चास होती है यकीन करो, अभी खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कितने मजे के होते हैं। मैं इसको ही वापस कर दूंगा होटल वाले, नहीं उसे दिया चाय वाला, चाय लिया एक दोनों भाई की, एक मर्जी से लिया नहीं करेगा। ये इनकी फीलिंग हो रही है, ठीक है फीलिंग बात बारी आ रही है चटनी की, ये आ रही थी खट्टी चटनी। Thank you.
ट्राई करते हैं सबसे पहले लेने हैं। बेहतरीन पिकिंग करो, मजा आ गया। आलू लिए, आलू का रेट है 100 रुपए किलो आज का, अंदाजा करो यार, मतलब कहाँ जाए आवाम, कहता है जी फीका आलू है 100 रुपए किलो है। यकीन करो अब हम गांव में होता ना, हमारे घर मुफ्त का कोई ना कोई दे जाता। उधर यार काश्त होती है आलू की, सब्जियों की एटलीस्ट टेंशन नहीं होती, यहाँ पर तो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है भाई। पानी भी जो है ना वो पैसों का लेना पड़ता है, शहर की ज़िंदगी वैसे बहुत मुश्किल है। अभी सैफ भाई के साथ मैं दो बालों का मैच खेलने लगा हूं, ठीक है। बल्ला देखें माशाल्लाह कितना, ये कहाँ से बनवाया है आपने, सियालकोट से बनवाया है? जी जी सियालकोट से। इधर इसके बॉटल लगाई हुई है, बैट टूटा हुआ है, ये वही तो नहीं है जिसमें रमजान में? जी 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 वही है, हाँ ये वही। आ जा सैफी, रिन्यू हो गया। सबर एक सेकंड, जाने दे। क्या कहना चाहेंगे इस, आप इस शॉट के बारे में? चल चल चल, इसको एक पेट्रोल और चाहिए, बड़ी फास्ट बॉलिंग नाले में चली जाएगी बाल जल्दी, बस बस करते हैं हम अब जा रहे हैं। थैंक यू। का पड़ा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? यार कल पड़ा आपको कैसा महसूस? वो तो पहली बाल थी ना, अगली बाल पे नहीं नहीं नहीं, अच्छा चौका पड़ा है उसका बताया ना, और जो कवर ड्राइव अभी मैंने खेली आखिरी वो बताया मुझे। वो सीधा साधा था, कोई फिल्डर होता है सीधा कैच पे ट्राई खास। भाई आप बताएं कैच था? नहीं नहीं चौका था ना, दोनों चौके थे, दोनों चौके थे। इसको बोलो ये मेरे साथ ड्रामे कर रहा होता है, एक एक बाल और हो जाए। चलो जी अब फाइनल बाल है, ठीक है ठीक है। चौका है, चौका गैप शॉट है। तुम्हारी गलत है कि दूर करने के लिए एक बार तो इधर से चले जाने। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड स्पिन बॉल करवा दे। छक्का छक्का छक्के छक्का, वो तो भी इस तरह कर रहे हैं छक्का। आउट नहीं है, आउट कोई नहीं है, 6 रन है। कैसा महसूस किया अभी आपने? क्योंकि बुलेट शॉट पड़ा है, बुलेट शॉट पड़ा है। ये अब रोने लग जाएगा बाल। नहीं अभी तुम्हें पैसे दे देंगे बाल के हम। क्यों क्यों आए हो वापस? ये अंदर जा रहा था बाल लेने लेकिन भाग आया ये। सैफी भाई का बाल हमने गुम कर लिया। सैफी भाई अब मोटरसाइकिल के साथ साथ मार रहे हैं, ये माशाल्लाह भाई हमारे बावलपुर से आए हैं। आज आपसे एक और बात चाहता हूँ जी, ये बॉल करके हॉस्पिटल की स्टोरी है, डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर करा था। जी जी सर, लोगों को भी ना इस चीज़ से आगाह करना चाहता हूँ, आगाह कर रहा हूँ कि जब भी आप हॉस्पिटल जाएँ एक बात की छोटी लाजमी करते हैं, आप अगर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या कोई भी टेस्ट करवाते हैं आप उसका सीरियल नंबर ना लाजमी मैच करें, कि यार जो सीरियल नंबर आपको उन्होंने कार्ड पर लिख के दिए हुए उसके साथ मिलता है या नहीं मिलता। रिसेंटली हुआ ये है कि हम लोग गए हुए थे, मेरी यार असली स्टोरी में खट डाल दी है भाई ने, वह इस तरह के जी हम लोग गए हुए थे जी सावल पर, मेरी चाची माँ बीमार थी। अच्छा, उनको बताया था जी कॉलेज शिक्षा थे। अच्छा ठीक है, प्लस हर्निया। अच्छा दोनों चीज़ें एक साथ, अल्ट्रासाउंड में ये चीज़ आई हुई थी। अच्छा जब हम लोग वहाँ गए हैं तो हमें पता ये लगा कि वो जो उनसे पहले पेशेंट अल्ट्रासाउंड करा के गया था ये उसकी रिपोर्ट है, और ये तो गलत बात है, गलत बात है। हॉस्पिटल वालों ने कहा है कि जी आप ऑपरेशन करवाएं फौरी तौर पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ के जो एच ओ वहाँ पे आउट जॉब कर रहे थे उनकी
प्रैक्टिस हो जाए ऑपरेशन ऑपरेशन हो जाए, पिता निकल जाता और बाद में वो आए आए रह जाती मरीज के लिए। माशाल्लाह डॉक्टर साहब भी रेडी हो गए हैं, हमारे मामा जान हैं, ये कुछ दिनों में मुझसे पैसे बटने के चक्कर में कैसे हैं, ये कुर्बानी वाला सीन ऑन होने लगा है, तो इंशाल्लाह लेके आएंगे बैल अच्छा सा इनके लिए इंशाल्लाह। कोई पता नहीं ये भी रेडी है माशाल्लाह, तो ये चौकी होने वाले हैं, दोनों तो नहीं रहे लेकिन होपफुली कि इंशाल्लाह। चले आज तक की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। सैफी आखिरी अल्फाज तुम बोल यार आज, तो फिर ऑडियंस को क्या कहना है तुम्हें, व्यूअर्स को क्या कहना है मेरे बारे में, ऊंचा बोलना। सुबह से शाम हो जाती है गर्मी में, देखे इंतजार की टेन खराब हो गई, एक लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए। ये भाई कह रहे हैं कि सब्सक्राइब करना चाहिए। हाँ चले भाई।